अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश वाइस अकेडमी। आज जो है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची की जानिब से मॉडल पेपर्स लॉन्च किए गए हैं, अपलोड किए गए हैं उनकी वेबसाइट के ऊपर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज ही जो है वो सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का पेपर आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ, ताकि ओवरऑल जो उनके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो समझ में आ जाए। और उसी के साथ साथ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस पेपर के अंदर मौजूद हैं उनका भी सोल्यूशन ज़रा बता दें, किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। तो ठीक है, सबसे पहले जो है ना ज़रा आ जाओ कि जो पेपर पैटर्न है वो क्या है, डिटेल की तरफ आ जाओ सबसे पहले ना। तो देखो हमारा जो पेपर पैटर्न है बेसिकली वो डिवाइड होता है तीन हिस्सों के अंदर, जैसे कि आप लोग जानते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास सेक्शन ए, फिर होता है हमारे पास सेक्शन बी, और फिर आता है हमारे पास सेक्शन सी। ठीक है, अब सबसे पहली बात अगर देखी जाए तो यहाँ पर आप देखें जो हमारा सेक्शन ए है वो कंसिस्ट करता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे, जो कि उसके लिए हमें टाइम दिया गया है 30 मिनट्स, और टोटल जो इधर मार्क्स हैं वो है दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 25 मार्क्स, यानी 25 पार्ट्स हैं उसके, और सबका आंसर देना है। और हर एक क्वेश्चन का जो है वो दिया गया है 2 नंबर। ठीक है ना, सबसे अच्छी बात ये हुई कि यहाँ पर जो है वो हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं, इस वजह से टोटल मार्क्स कितने हो जाते हैं सेक्शन ए के, वो हो जाते हैं 50। ठीक है, तो सबसे पहली बात टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स हैं सेक्शन ए के अंदर 50। ठीक है ना, और ये जो 50 टोटल मार्क्स हैं, ये क्यों 50 टोटल मार्क्स हैं और इस सेक्शन के अंदर बेसिकली है क्या, तो याद रखो इसी सेक्शन ए के अंदर 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है ना, 25 MCQs हैं, और ये जो 25 MCQs हैं इसका मतलब हर एक का जो मार्क्स हो गए वो कितने हो गए, हर एक जो है वो 2 मार्क्स का है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पास 25 × 2 कितने मार्क्स हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 50 मार्क्स। याद रखो हर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे जो है ना 2 मार्क्स फॉर ईच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हर एक जो है वो 2 नंबर का है, बड़ी बेहतरीन किस्म की बात है। और इसके लिए जो हमें टाइम दिया गया है, तो जो तीसरी बात है टाइम अलाउड, तो इस सेक्शन ए को कवर करने के लिए आपको दिए गए हैं 30 मिनट। तो 30 मिनट के अंदर 25 MCQs करना बहुत ही अच्छा हो जाएगा, जिस स्टूडेंट को आते हैं वो ज़रूर अटैम्प्ट करेगा, और जिसको नहीं आते तो जाहिर सी बात है टाइम जितना ही बढ़ा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बेहतरीन है, कम अज़ कम एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए 1 मिनट तो मिल रहा है ना। ठीक है भाई, नेक्स्ट अगर देखा जाए सेक्शन ए मुकम्मल हो जाएगा हमारे पास। सेक्शन ए मुकम्मल होने के बाद बारी आएगी हमारे पास सेक्शन बी, ये आ गया हमारे पास सेक्शन बी। सेक्शन बी के लिए हमें 1 घंटा 1.5 घंटा दिया गया है, 1.5 आवर, और टोटल 50 मार्क्स बचे हैं, तो 50 मार्क्स जो है वो इसी के होंगे, टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, पेपर है पूरा का पूरा। सेक्शन बी जो है वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है और वो 30 मार्क्स के, ठीक ना। ये जो है हमारे पास कितने मार्क्स हो गए यहाँ पर, टोटल मार्क्स बताते हैं, इसके टोटल मार्क्स हैं, ठीक है ना। अच्छा सेक्शन है तो मैंने आपको बता दिया सेक्शन है क्या है, सेक्शन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है ना, और ये हैं शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन, क्यू ए लिख देता हूँ, ठीक है। और टोटल मार्क्स कितने दिए गए सेक्शन बी के लिए, हमें टोटल मार्क्स दिए गए हैं 30, तो याद रखो यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास 30 मार्क्स। 30 मार्क्स के लिए हमें कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 30 मार्क्स के लिए हमें यहाँ से अटेम्प्ट करने हैं कोई से 6 पार्ट, ठीक है ना। यहाँ पर हमें 6 पार्ट्स जो है शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है ना। इसका मतलब हर एक कितने का होगा, हर एक यहाँ पर होगा हमारे पास 5 नंबर का, तो 6 × 5 = 8, ये हो जाएंगे हमारे पास 30 मार्क्स, ठीक है ना। और इन दोनों के टाइम मिलाकर जो है वो 1.5 घंटा दिया गया, तो वो फिर एक ही साथ लिख देंगे अभी आखिर में, लेकिन अभी एक है 6 शॉर्ट क्वेश्चन है और 6 × 5 जो है वो 30 मार्क्स हो जाएंगे टोटल। और इसी लिहाज से अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो 6 क्वेश्चन है ना इसको फिर से 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया गया है। अब देखो तो यहाँ पे 3 हिस्से बन जाएंगे, एनालिटिकल ज्योमेट्री और वेक्टर अलजेब्रा का बनाया है, कॉनिक सेक्शन का बनाया है और कैलकुलस का है। तो इसका मतलब पहला आ गया एनालिटिकल ज्योमेट्री और वेक्टर, ठीक है ना। फिर अगला हिस्सा होगा हमारे पास कॉनिक सेक्शंस का, और फिर है कैलकुलस का। टोटल कितने करने हैं, टोटल यहाँ से करने हैं 6, यानी कि इससे भी हमें
दो क्वेश्चंस करने हैं, इससे भी दो क्वेश्चंस करने हैं और इससे भी दो क्वेश्चंस करने हैं, मतलब के इन्होंने दिए हैं हर सेक्शन के, इधर देखो आप, हर सेक्शन के एक दो तीन पार्ट, चार पार्ट दिए हैं, इसके भी चार पार्ट हैं, इसके भी चार पार्ट हैं, और हमें क्या करना है, हमें हर एक के कोई से दो पार्ट अटैम्प्ट करने हैं। तो बेहतरीन किस्म के जो है वो चॉइस मौजूद है, ठीक है ना, कैलकुलस से भी अटैम्प्ट करने के लिए और कोनिक सेक्शन से भी अटैम्प्ट करने के लिए। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ें और हम जाएँ हमारे आखिरी सेक्शन की तरफ डिटेल में, तो जो सेक्शन सी है वो डिटेल आंसर क्वेश्चन है, ये आ जाएंगे हमारे पास डिटेल, थोड़े लंबे वाले डिटेल्ड आंसर्स क्वेश्चंस, ठीक है ना। और इसके अंदर जो डिटेल वाले आ रहे हैं, याद रखो उनके अंदर कहानी क्या है कि उनके अंदर जाहिर सी बात है हमें लिखने के लिए ज़्यादा जो है वो चीज़ें मौजूद होंगी। और यहाँ पर कितने मार्क्स बचे हैं, टोटल 20 मार्क्स बचे हैं यहाँ पर, और दो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, इसका मतलब हर एक 10 नंबर का हो गया। यहाँ के टोटल मार्क्स कितने हो गए, यहाँ के टोटल मार्क्स हैं 20, ठीक है ना, 20 टोटल मार्क्स हैं यहाँ के। और इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें यहाँ से दो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, क्वेश्चन लिख देता हूँ, और हर एक जो है वो कितने नंबर का हो गया, 10 नंबर का, तो 2 × 10 ये हो जाएंगे हमारे पास टोटल 20 मार्क्स, ठीक है ना। और कुछ भी डिवीजन नहीं है इसके अंदर, कोई खास डिवीजन नहीं करी। और हाँ, बस एक बात बताई है कि याद रखो ये जो टोटल है ना, इनको मिला के, यानी कि सेक्शन बी और सेक्शन सी, इसके लिए हमें कितना टाइम दिया गया है, इसके लिए हमें दिया गया है 1 आवर, यानी कि 1.5 कर लो आप इसको, चलो 1.5 आवर जो है वो इसके लिए हमें दिया गया, यानी कि 1.5 घंटा। तो आधा घंटा इधर के लिए टाइम मिल गया और बाकी 1.5 घंटा जो है वो यहाँ पे मिल गया। बहुत ही बैलेंस जो है वो पेपर पैटर्न इन्होंने बताया है, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि अगर तैयारी करते रहोगे तो बहुत बेहतरीन किस्म के मार्क्स लेने का बहुत ही अच्छा चांस है। ऐसा कभी नहीं होगा आज के बाद कि 25 MCQs करो और 50 नंबर मिल जाए, इससे बेहतरीन तो और आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास एक पेपर पैटर्न, और इसी तरीके से आपने देखना है 25 MCQs हैं, 25 के 25 करने हैं, और यहाँ पर जो है वो कितने 12 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं, जिसमें से 6 करने हैं, हर एक सेक्शन में से 2-2 करने हैं, यानी कि ना आप एनालिटिकल ज्योमेट्री छोड़ सकते हैं, ना कोनिक सेक्शन, ना कैलकुलस, और लिहाज से करना पड़ेगा। और बाकी फिर लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो हमारे पास कितने गिवन है, लॉन्ग क्वेश्चन हमें गिवन है 3, जिसमें से हमें अटेम्प्ट करने होंगे कोई से 5, 6 और 7 ये हैं। और इसमें इन्होंने क्या किया, इसके अंदर एक ये वैल्यूएशन वाला तो आता ही है, इंटीग्रल्स वाला, फिर एक जो है वो यहाँ पर हमें दे दिया है स्ट्रेट लाइन से, और यहाँ पर एसेंट्रिसिटीज़ ऑफ 2 कॉन्जुगेट हाइपरबोलास, यानी कि वही 8.4 जो है वहाँ से दे दिया। फिर ये आ गया एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस, और फाइनली ये इंटीग्रेशन आ रही है। तो बहुत ही अच्छा पेपर पैटर्न बोर्ड की तरफ से बनाया गया। अब आ जाते हैं जो दूसरा काम मुझे कहा था कि ज़रा ये जो MCQs हैं, MCQs डिस्कशन कर लेते हैं जल्दी जल्दी ऑफ मॉडल पेपर। मॉडल पेपर के अंदर जो MCQs आए हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही आसान है, और अगर इसी किस्म के आ गए तो इंशाल्लाह आप देखोगे बहुत ही अच्छे किस्म के मार्क्स जो है वो आने के चांसेस हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 2, x²-4, और आगे हमारे पास x-2। यानी पहला क्वेश्चन अगर आप देखो तो ये कह रहे हैं लिमिट क्या है, x अप्रोच कर रहा है 2 को, तो यहाँ पे लिखा हुआ है x²-4 और नीचे लिखा हुआ है x-2। तो ये तो बहुत ही आसान सा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे मैं करना सिर्फ ये है कि ऊपर हमें फॉर्मूला ओपन करना है, क्योंकि अगर अभी लिमिट अप्लाई कर दी तो मुश्किल हो जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोच कर रहा है 2 को, ये हो जाएगा x+2 और x-2, और अपॉन में पहले से लिखा हुआ है x-2। a²-b² का फॉर्मूला इस्तेमाल करा, a+b और a-b, यहाँ पे जो प्रॉब्लम कर रहा था जिससे हमारा ये फंक्शन अनडिफाइंड बन रहा था वो कैंसिल हो गया। अब इजीली हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम लिमिट अप्लाई करें तो अप्लाइंग लिमिट क्या रिजल्ट मिला हमें, रिजल्ट ये मिला कि अगर x की जगह पे 2 पुट कर दूँ, लिमिट क्या है, x जो है वो 2 के बराबर है, ये हो जाएगा यहाँ पर 2+2, और ये जो 2+2 है ये किसके बराबर हो जाएगा 4 के। इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या बनेगा हमारे पास, ये आ गया हमारे पास आंसर 2, ठीक है ना, जो सेकेंड ऑप्शन है ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाओ, फंक्शन गिवन है fx जो कि बराबर है x² के, तो हमें मालूम करना है व्हाट इज द फंक्शन व्हेन 2 पुट करें। तो हमें क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो फंक्शन गिवन है f(x) एक्चुअली वो किसके बराबर है,
एक्स स्क्वायर की। और हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है व्हाट इज, अगर टू पुट कर दें तो इसका मतलब टू पुट करेंगे एक्स की जगह पे तो टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर। और यहाँ पर सिंपल ये जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। इससे आसान सवाल मिलेगा कहीं? अच्छा ये जो यहाँ पर आ गया है ये तो आपको प्रॉपर्टी याद होगी, ठीक है ना, लॉपिटल रूल जो हमने लगाया हुआ था उस रूल के मुताबिक ये जो है वो बराबर होता है एक्सपोनेंट के। प्रॉपर्टी याद रखनी है। तीसरा है यानी कि चलो नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। ये तो प्रॉपर्टी है सीधी सीधी सी, क्या प्रॉपर्टी है, लिमिट है व्हेन एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो हमारे पास क्या बन रहा है, वन ओवर एक्स, और इसकी पावर आ रही है बराबर एक्स के, तो याद रखिए ये किसके बराबर आता है, ये तो सीधा सीधा बराबर आता है ई के। तो जो राइट आंसर होगा वही हमारे पास यही होगा। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया, सेकंड वाला ई है, सिलेक्शन नहीं हो रही है, आप बस उसको याद रख लीजिएगा। और ये जो सोल्यूशन है इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करते रहना। स्लोप ऑफ अ लाइन, एक लाइन गिवन है 3x-5y-15, 3x-5y-15 इज इक्वल टू 0, इसका स्लोप मालूम करना है, ठीक है ना, स्लोप ऑफ अ लाइन। तो स्लोप मालूम करने के लिए पहले इसको इस फॉर्म में अरेंज कर लो, किस फॉर्म में, y इज इक्वल टू mx+c की फॉर्म में अरेंज कर लो। तो y को अलग करना है, y को अलग करेंगे तो क्या बनेगा, y को अलग करेंगे तो ये बन जाएगा 3x-15 इज इक्वल टू 5y। और वैल्यू हमें किसकी मालूम करनी है, वैल्यू हमें मालूम करनी है इस तरीके से, y इज इक्वल टू mx+c, तो ये हो जाएगा 3/5x-15/5। तो चलो ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन जो स्लोप हमें मिलता है तो देख लो जो एक्स के साथ है वो स्लोप होता है, तो जो एक्स के साथ है वो स्लोप है 3/5। तो क्वेश्चन नंबर 4, 3/5, ये जो हमारे पास डी है ये सही आंसर है 3/5 के बराबर। जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन वही है जो इससे पहले वाली फॉर्म गिवन थी। जो जनरल इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की वो क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो इसका मतलब राइट आंसर होगा हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। बाकी ये आ गया हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये आ गया टू इंटरसेप्ट फॉर्म, और ये आ गया हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म। और ये जो लिखी हुई है ये है हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6, एक पॉइंट है, उस पॉइंट की बात यह है कि एक्स वन और वाई वन है और वो लाए कर रहा है बिलो द लाइन, इस लाइन के बिलो लाए कर रहा है, तो कौन सी वाली कंडीशन करेक्ट है? तो ये तो पहले मैं रिवाइज ही कर देता हूँ सारी की सारी कंडीशन, क्या मुश्किल है इसमें। कंडीशन ये है कि अगर कोई पॉइंट, यानी कि पॉइंट है अगर x1, y1, ठीक है ना, ये लाए करता है, ये पॉइंट है अगर लाए करेगा ऑन द लाइन, अगर ऑन द लाइन होगा, ठीक है ना, तो स्ट्रेट लाइन हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें अगर इसकी वैल्यू पुट कर दें कि ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, तो याद रखो वो बराबर आता है जीरो के। अगर यही आ जाए अबव द लाइन, लाइन के ऊपर आ जाए, तो यही जो हमारी कंडीशन बनती है कि ए एक्स की जगह एक्स वन पुट करा, वाई की जगह वाई वन पुट करा और प्लस सी करा, अगर अबव है तो आंसर पॉजिटिव आता है यानी कि ग्रेटर देन जीरो आता है। और आखिरी जो कंडीशन है अगर यही लाई करता है बिलो द लाइन, अलग करके लिख देते हैं क्योंकि वही हमारा रिक्वायरमेंट है, अगर कोई पॉइंट जो है वो लाइन से नीचे लाए करता है, यानी कि ऑन द लाइन का मतलब होता है इधर लाए कर रहा है ऊपर और ये आ गया नीचे, तो इसका मतलब अगर मैं उस पॉइंट को पुट करता हूँ तो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी ये लेस देन जीरो आता है, और लेस देन जीरो का मतलब क्या हो गया, लेस देन जीरो का मतलब आंसर आता है नेगेटिव, तो इसका मतलब राइट आंसर यही होगा लेस देन जीरो वाला। तो कहाँ है लेस देन जीरो, ढूंढो ढूंढो, ये जो बी है ये है लेस देन जीरो, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी इज लेस देन जीरो। ओके जी, एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल आर, क्या परपेंडिकुलर होते हैं, नहीं होते, क्या पैरेलल होते हैं, नहीं होते, कोइंसिडेंट नहीं, ये होते हैं कॉनकरंट, ठीक है ना, जो एल्टीट्यूड्स होते हैं किसी भी ट्राइंगल के वो कॉनकरंट होते हैं, ये भी बात हमें मालूम होनी चाहिए, एल्टीट्यूड्स आर कॉनकरंट। Triangles are concurrent, ठीक है ना, उसको तो प्रूफ भी करना होता है,
कॉन्करेंट होते हैं, तो इसका मतलब हमारे पास चौथा आंसर जो है वो सही है, साथ में का एंटीट्रायंगुलर ट्रायंगुलर कॉन्करेंट। अच्छा जी, इंटरसेप्ट्स ऑफ अ लाइन, इंटरसेप्ट्स मालूम करने हैं इस लाइन के, तो या तो आप जो है वो इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर इसको कन्वर्ट कर लो, ठीक है ना, और नहीं तो फिर जो है वो एक तरीके का ये है कि इस इक्वेशन में आप एक्स की जगह पे जीरो पुट करो, वाई का आंसर निकाल लो, वाई की जगह पे जीरो पुट करो, एक्स का आंसर आ जाएगा। वैसे चलो मैं आपको पहले तरीके से बताता हूँ, टू स्लो फॉर्म से क्वेश्चन नंबर एट, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या था देख लूँ एक बार, क्वेश्चन था 3x - 2y - 6, 3x - 2y - 6 इज इक्वल टू जीरो, इसको टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो पहले, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 3x - 2y इज इक्वल टू 6, ठीक है ना, वन लेकर आना होता है दूसरी तरफ, तो ये हो जाएगा 3x/6 - 2y/6 इज इक्वल टू 1, कैंसिल करेंगे, 3 1s are 3, 3 2s are 6, और इसी तरीके से 2 1s are 2 और 2 3s are 6, तो इसका मतलब हमारे पास क्या बने इंटरसेप्ट्स, इंटरसेप्ट बना हमारे पास x/2 माइनस कितना आ गया, ये आ गया y/3 इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब ये हमारी जो टू स्लो फॉर्म है ना उससे मैच नहीं कर रहा, उससे मैच करवाने के लिए पता क्या करना पड़ेगा, ये हो जाएगा x/2 और ये हो जाएगा प्लस का y और ये हो जाएगा माइनस का 3 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से हमें आंसर क्या मिल गया, यहाँ से हमें आंसर मिल गया 2 और -3। और अगर इस टेक्निक को यूज़ नहीं करना तो मैंने एक और टेक्निक बताई ना, 3x - 2y लिख देता हूँ, 3x - 2y - 6 इज इक्वल टू 0। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब ये होता है कि अगर मुझे x इंटरसेप्ट मालूम करना है तो y 0 पुट करना पड़ेगा, अगर ये ऑल्टरनेट तरीके का बता रहा हूँ, अगर वो समझ में आ गया तो उसको स्किप भी कर सकते हो। तो अगर x इंटरसेप्ट मालूम करना है तो x इंटरसेप्ट का मतलब जहाँ पर स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को कट कर रही है, जहाँ पर हमारी स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को कट कर रही है, तो जहाँ कट करती है वहाँ पर एक बात कन्फर्म है, जो भी आंसर आता है y 0 होता है और यहाँ पर x 0 होता है और y का कुछ भी आंसर आता है। x इंटरसेप्ट निकाल रहा हूँ, y की जगह पे 0 पुट करेंगे, ये हो जाएगा 3x - 6 इज इक्वल टू 0, x बराबर हो जाएगा 6/3 यानी कि ये बराबर आ जाएगा 2 के। और इसी तरीके से जब हमें y इंटरसेप्ट निकालना होगा तो y इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, y इंटरसेप्ट के लिए हमें x 0 पुट करना पड़ेगा, x 0 पुट करेंगे तो ये बनेगा माइनस का 2y - 6 इज इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू -6, ये तो वैसे प्लस हो जाएगा ठीक है ना, लेकिन नेगेटिव साइन है तो ये हो जाएगा -2, यहाँ पर आ जाएगा -3। x कितना आ गया, x आ गया प्लस का 2, y आ गया -3, x आ गया प्लस का 2, y आ गया -3, दोनों तरीके का ठीक है, तो आंसर होगा x आ गया प्लस का 2 और y आ गया -3, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे पास इंटरसेप्ट आ गए। इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन व्हेन y इज इक्वल टू x, अगर y बराबर होता है x के तो इंक्लिनेशन कितनी होती है, याद रखो अगर y बराबर होता है x के, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर था हमारे पास ये 9th, तो क्वेश्चन नंबर 9 में बताते हैं, अगर कोई लाइन है जो y इज इक्वल टू x होता है तो आप ये देखिए स्लोप बेसिकली 45 डिग्री आता है, y इज इक्वल टू x की स्ट्रेट लाइन ऐसे बनती है, ये है x इज इक्वल टू y, और अगर इसकी इंक्लिनेशन देखी जाए तो इसकी इंक्लिनेशन जो है वो 45 डिग्रीज होती है, इसका मतलब जो हमारे पास 9 का आंसर होगा वो होगा 45 डिग्रीज, दिस वन। अच्छा जी, अ फंक्शन एफ एक्स इज मैक्सिमम, मैक्सिमा की क्या कंडीशन है, मैक्सिमा की कंडीशन ये है, मैक्सिमा के लिए नेगेटिव होना चाहिए डबल डेरिवेटिव, तो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होने का मतलब हो गया ये फॉर मैक्सिमा। क्वेश्चन नंबर 10, वी नो दैट फॉर मैक्सिमा, अगर मैक्सिमा की वैल्यू चाहिए तो कंडीशन क्या थी कि जो डबल डेरिवेटिव होता है ये लेस देन जीरो आता है, लेस देन जीरो होता तो मैक्सिमम होता, और लेस देन जीरो का मतलब क्या हो गया, लेस देन जीरो का मतलब हो गया नेगेटिव, तो नेगेटिव से याद रखा जाता है ना, तो इसका मतलब सॉरी, और इधर जो है वो जो भी वैल्यू पुट करी ए वो आ जाएगा बराबर नेगेटिव के, ठीक है जी। डेरिवेटिव ऑफ 2 to the power 2x विद रिस्पेक्ट टू x, सो देखो जो वैल्यू हमें गिवन है वो क्या हो, वैल्यू है 2 to the power 2x, तो ये जो 2 to the power 2x है इसको हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं इसे कि 2 की पावर 2 और यहाँ पे होल में लिख सकते हैं x, तो ये कितना बन जाएगा, बन जाएगा 4x के बराबर,
ठीक है ना। अब इसी को क्योंकि हमें जो है वो डेरिवेटिव लेना है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ई और एल एन अप्लाई करते हैं, क्योंकि ई और एल एन दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो ई टू दी ई की जो वो है बेस है वो है एल एन फोर, और इसके ऊपर हम लिख देंगे इन टू एक्स, ठीक है ना। ये मैंने कैसे लिख दिया अचानक से, तो याद रखो अगर ई और एल एन को एक साथ लिखते हैं तो वो कैंसिल हो जाता है और सिर्फ जो आंसर है वो फोर ही आ जाएगा। तो ये एक्चुअली जो है वो किसके बराबर होता है, फोर के बराबर आता है। तो हमारे पास वैल्यू क्या बन गई, हमारे पास वैल्यू बन गई यहाँ पर एक आ गया हमारे पास एल एन फोर और ई की पावर एक्स आ गई। तो इसका मतलब इसको लिखने का एक तरीकेकार हो सकता है, इसको अब हम ऐसे लिख सकते हैं ई एक्स आ जाएगा और एक्स के साथ साथ क्या लिखा हुआ है, एक्स के साथ साथ लिखा हुआ है एल एन फोर। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे ना, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अब अगर लेट से ये बराबर है वाई के और मैं मालूम करता हूँ इसका डेरिवेटिव, यानी मैं इसको क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, और यहाँ पर एक्सपोनेंशियल तो पहले सेम ही आ जाता है ना, ई एक्स इन टू एल एन फोर। और अगर डेरिवेटिव मैं लूँगा यहाँ पर, डेरिवेटिव किसका लूँगा, डेरिवेटिव लूँगा मैं एक्स और एल एन फोर का, तो एल एन फोर तो कॉन्स्टेंट है और एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, तो इसका मतलब हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास जो आंसर आएगा डेरिवेटिव का वो होगा ई एक्स साथ में लिखा हुआ है एल एन फोर, और इसका आंसर आ जाएगा बराबर किसके, इसका आंसर अपने आप आ जाएगा बराबर एल एन फोर के। अब ज़रा आप देखो ई टू दी पावर एक्स एल एन फोर ये बराबर किसके था, ई टू दी पावर एक्स एल एन फोर ये बराबर किसके था, ये बराबर था हमारे पास फोर एक्स के, ठीक है ना। आप ये देखो ना इधर ये लिखा हुआ, ये जो पूरी की पूरी चीज़ है ई एल एन फोर एक्स, ई एल एन फोर और ये एक्स, ये एक्चुअली बराबर किसके था, ये बराबर था हमारे पास फोर एक्स के। तो इधर हम क्या लिख सकते हैं, इधर हम लिख सकते हैं फोर एक्स और साथ में आ जाएगा एल एन फोर, तो इसका मतलब वो आंसर सही होना चाहिए जहाँ पे लिखा होगा फोर एक्स एल एन फोर, और ये आ गया फोर एक्स एल एन फोर विच इज़ द राइट आंसर, ठीक है ना। थोड़ा सा ट्रिकी डेरिवेटिव था, हालांकि इसको दूसरे तरीके से डेरिवेटिव करके थोड़ा सा डिफरेंट आंसर आ सकता है, वो एक्चुअली सही होगा, बट यहाँ से मैच करने के लिए इस मेथड को अपनाया गया। यहाँ पे लिखा हुआ है डेरिवेटिव फाइंड करना है साइन स्क्वायर एक्स का, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 फाइंड करना है डेरिवेटिव किस चीज़ का, डेरिवेटिव फाइंड करना है साइन स्क्वायर एक्स का डी वाई ओवर डी एक्स। तो अगर इसका डेरिवेटिव मालूम करेंगे तो सबसे पहले पावर, पावर का डेरिवेटिव आ जाएगा यहाँ पे 2 साइन एक्स, ठीक है ना। पावर का डेरिवेटिव तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है और साइन एक्स एज इट इज़ आता है, ये पावर का डेरिवेटिव हो गया। और अब जो फंक्शन है जो कि साइन एक्स है, साइन एक्स का अपना डेरिवेटिव होता है बराबर कॉस एक्स के, इसका मतलब इसका जो डेरिवेटिव है वो कितना आएगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और यही 2 साइन एक्स कॉस एक्स बेसिकली किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है साइन 2x के, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी भी होगी और अभी यूज़ भी की होगी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के अंदर। तो साइन 2x मैच करना है, वेयर इज साइन 2x, देयर इज साइन 2x, इसका राइट आंसर होगा 12 का। 13 ये फंक्शन है, ठीक है ना, फंक्शन है ई एल एन एक्स, और हमें इसका डेरिवेटिव मालूम करना है और फिर 2 पुट करना है x की जगह पे, तो क्या आंसर आएगा देख लेते हैं। ई टू दी पावर एल एन एक्स ये आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है ना, ई टू दी पावर एल एन एक्स, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो ये लेट से हमारा ये फंक्शन हो गया, तो ये आ गया y इज इक्वल टू ई एल एन एक्स, और जब हम डेरिवेटिव लेंगे डी वाई ओवर डी एक्स जो कि एक्चुअली f डैश के बराबर होता है, f डैश ऑफ x, तो वो बराबर हो जाएगा किसके, सबसे पहले ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, और जब इसके जो यहाँ पर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x, तो इसका मतलब ये हमारे पास वैल्यू बनेगी। और हाँ एक बात है, ई एल एन एक्स खुद किसके बराबर होता है, ई एल एन एक्स बराबर होता है खुद एक्स के, और इसका डेरिवेटिव 1/x ये कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा बराबर 1 के। तो इसका मतलब अगर इसका डेरिवेटिव मालूम किया जाए तो इसके डेरिवेटिव का आंसर आएगा 1, दिस इज़ आर आंसर। अच्छा जी, इंटीग्रेशन है एल एन एक्स की, और बहुत ही कॉमन सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 14 इधर बताते हैं। एल एन एक्स का इंटीग्रल जो है बाय पार्ट्स फाइंड किया जाता है, इंटीग्रेट करना है हमने एल एन एक्स को, ठीक है ना, और एल एन एक्स को इंटीग्रेट करना है, बस यही सवाल था, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, हम इसको एक्सटेंड करके क्या कर लेते हैं, इसको कर देते हैं एल एन एक्स और साथ में कर देते हैं 1, ठीक है ना, एक फंक्शन आ जाता है, या डी एक्स कर देते हैं सीधा सीधा। तो अगर हम यहाँ पे इस्तेमाल करें बाय पार्ट्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स बराबर होता है यू इंटीग्रल वी माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ यू और फिर इंटीग्रल ऑफ वी, और ये भी होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स,
और फाइनली आंसर आता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एल एन एक्स, ठीक है ना। और इंटीग्रेट किसको करना है, डी एक्स को इंटीग्रेट करना है, फिर इंटीग्रल आ जाएगा यहाँ पर, और डेरिवेटिव किसका लेना है, डेरिवेटिव हमें लेना है एल एन एक्स का, और फिर इंटीग्रल आ जाएगा डी एक्स का, और फिर ब्रैकेट के बाहर का डी एक्स। तो सिम्प्लीफाई करने पर इधर तो आ जाएगा एल एन एक्स, साथ में आ जाएगा एक्स, ठीक है, माइनस इंटीग्रेट करेंगे ये हो जाता है वन अपॉन एक्स, इसका डेरिवेटिव डी एक्स का एक्स होता है, और फाइनली ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है डी एक्स, एक्स के एक्स कैंसिल हो जाता है, और एक्स से एक्स कैंसिल होगा तो यहाँ पर क्या आंसर आया, यहाँ पर आया एक्स एल एन एक्स, और माइनस के साथ यहाँ पर क्या आंसर आएगा, जब आप डी एक्स का इंटीग्रल करोगे, डी एक्स का इंटीग्रल खुद बराबर होता है एक्स के, ये आ जाएगा प्लस सी। तो हमें सिर्फ क्या करना है, हमें इस आंसर को ढूंढना है एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स प्लस सी, एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स प्लस सी, यानी कि जो हमारा सी वाला आंसर है करेक्ट है। इधर आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, इंटीग्रेट करना है 2x प्लस 3 और पावर माइनस 1, इंटीग्रेट करना है, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 15। इंटीग्रेट करना है, क्या लिखा हुआ था, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 और इन्वर्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, तो इसको वन अपॉन कर देते हैं 2x प्लस 3, और यहाँ पर आ जाएगा dx, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बना लो ताकि डेरिवेटिव लेना आसान हो जाए, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर, नीचे का डेरिवेटिव सिर्फ क्या आना है, 2 आना है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर हम लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 2, और फिर इस 2 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आता है, तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर, तो क्या प्रॉपर्टी है, इंटीग्रेट करते हैं, ये आंसर आता है एल एन एक्स प्लस सी, तो इसका मतलब यहाँ पे भी आंसर आ जाएगा एल एन, और क्या आएगा 2x प्लस 3, और ये आ जाएगा प्लस सी। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल, 1/2 एल एन 2x प्लस 3, 1/2 एल एन, 1/2 एल एन कहाँ गया, कहाँ गया, 1/2 एल एन 2x प्लस 3, ठीक है, लेकिन ये तो उन्होंने 1/2 करके दिया हुआ है, तो अब या तो क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर कहीं पर हाफ आ रहा होगा, ये वजह हो सकती है। अगर इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे 1/2 करके, ठीक है ना, तो 1/2 प्लस 1, ये प्लस का हाफ हो जाएगा, देन हमारा ये वाला आंसर हो सकता है, तो मे बी मिस प्रिंटिंग हो सकती है, लेकिन बहरहाल अगर हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं नीचे का डेरिवेटिव ऊपर, तो वो तो सीधा सीधा सॉल्व हो जाएगा, 2 ही आना चाहिए, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 17, तो ये तो सीधा सा जो है वो सब्सटीट्यूशन है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट कॉन्स्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर, ये बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी के। तो वही है हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 17 है, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, इक्वेशन ऑफ द सर्किल हूज सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। याद रखो, अगर कभी भी किसी भी सर्किल का सेंटर लाई करता है एक्स एक्सिस पे, तो उसकी वाई की वैल्यू जीरो होती है, ठीक है ना। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर, कौन सा वाला है, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 18। समझने वाली बात यह है कि अगर इफ सेंटर ऑफ सर्किल लाइज ऑन एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस पे लाई करता है, तो इसका मतलब नो टर्म ऑफ वाई, वाई की कोई टर्म नहीं होती अगर एक्स एक्सिस पे लाई करता है, तो वाई की कोई टर्म ना जिसमें हो, देखो इसमें भी वाई की टर्म है, इसमें भी वाई की टर्म है, और इसमें वाई की टर्म नहीं है, ठीक है ना, और ये जो है क्या है, इसमें तो एक्स की टर्म भी नहीं आ रही है ना, तो इसका मतलब इसका सेंटर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे लाई कर रहा है, यानी कि ये तो ओरिजिन की बात हो रही है, ये ओरिजिन है, और ये जो है वो बेसिकली सही आंसर होगा, क्योंकि इसका जो सेंटर है वो लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे, और क्योंकि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है इस वजह से वाई की टर्म उसमें मौजूद नहीं होती है, तो प्रूफ भी है बाकायदा एक। अच्छा, द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिस थ्रू द ओरिजिन, जब भी कोई सर्किल पास होता है ओरिजिन से उसमें कोई कॉन्स्टेंट टर्म नहीं होती, जब भी कोई सर्किल पास होता है ओरिजिन से उसमें कोई कॉन्स्टेंट टर्म नहीं होती, यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म है, बट यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है, इसका मतलब ये वो सर्किल है जो पास हो रहा है ओरिजिन से, सिंपल सी बात है, ये प्रॉपर्टी है मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 5 या 6 था ना, 7.1 के अंदर ये, वहाँ पर ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। कंसेंट्रिक का मतलब हैविंग द सेम सेंटर, कंसेंट्रिक का मतलब ये, कंसेंट्रिक हैविंग द सेम सेंटर, तो जो कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं उनका सेंटर सेम होता है। द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर है और उसका फोकस 3,0 है, तो ये कौन सा है हमारे पास, 21।
बात यह है कि जो लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम है, तो लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, याद है ना, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम बराबर होता है 4 times ऑफ ए के। और इसका मतलब ये कहाँ लाए कर रहा है, फोकस कहाँ पर है, फोकस की वैल्यू देखो तो फोकस कहाँ पर लाए कर रहा है, फोकस आ रहा है यहाँ पर 3 पर। तो सिर्फ 3 into 2 करना है, 3 into 2 कितना हो जाएगा, 3 into 2 हो जाएगा 12, 3 into 4 हो जाएगा 12। तो लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम कितनी आ रही है, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम बराबर आ रही है 12 यूनिट्स के। द सेमी एक्सिस ऑफ एन एलिप्स आर 3 units and 4 units। तो एसेंट्रिसिटी क्या होगी, एलिप्स की बात हो रही है, सेमी एक्सिस गिवन है क्वेश्चन नंबर 22 में, सेमी एक्सिस है ना, सेमी एक्सिस का मतलब हो गया ए की वैल्यू हमें 4 गिवन है और बी की वैल्यू हमें 3 गिवन है, तो हमें एसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है। एसेंट्रिसिटी जिसका फॉर्मूला होता है सी ओवर ए के। अब ए तो हमें पक्का पता है कि 4 के बराबर है, लेकिन सी जो है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इन केस ऑफ एलिप्स। तो ए का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, और रूट लगाना पड़ेगा क्योंकि सी लिखा हुआ है सिर्फ ऊपर। तो 4 का स्क्वायर 16 और ये हो गया 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 होगा 7 अंडर रूट ओवर 4। तो सिर्फ ये आंसर ढूंढना है हमें, अंडर रूट 7 ओवर 4 ये लिखा हुआ, अंडर रूट 7 अपॉन 4 पहला आंसर। इन अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वो होता है जिसमें दोनों की वैल्यू सेम होती है, ए बराबर होता है बी के, वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहलाता है। और जब ए की वैल्यू बराबर होती है बी के और अगर वो एलिप्स हो तो फिर वो एलिप्स नहीं रहता, वो सर्किल बन जाता है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसका भी एक क्वेश्चन है, ए बराबर होता है बी के। 3 vectors अगर कोप्लेनर हैं तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, अगर एक ही प्लेन पर लाए कर रहे हैं और हम क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करेंगे, ट्रिपल प्रोडक्ट में स्केलर प्रोडक्ट भी होता है और क्रॉस प्रोडक्ट भी होता है, तो याद रखो आंसर आएगा 0 के, क्योंकि सेम एक्सिस पर लाए कर रहे हैं, सेम प्लेन पर लाए कर रहे हैं दो वैक्टर्स, तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आई प्लस जे, जे प्लस के, आखिरी सवाल, आई प्लस जे और इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ मालूम करना है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करना है जे प्लस के के साथ, जे प्लस के के साथ। क्रॉस प्रोडक्ट में सबसे पहले आई को जे से मल्टीप्लाई कराया तो ये आ गया आई क्रॉस जे, फिर आई को के साथ मल्टीप्लाई कराया आई क्रॉस के, फिर आ गया हमारे पास प्लस जे को जे से मल्टीप्लाई कराया तो ये आ गया जे क्रॉस जे, और फाइनली जे को मल्टीप्लाई कराया के साथ तो ये आ जाएगा जे क्रॉस के। और जो सिंपल सी लॉजिक है क्रॉस प्रोडक्ट की, अगर तो हम इस एरो की डायरेक्शन में चल रहे होंगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा, अदरवाइज नेगेटिव आएगा। तो जे क्रॉस आई करेंगे तो जे क्रॉस आई प्लस का के आता है, प्लस आई क्रॉस के अपोजिट हो गया एरो के तो जे आएगा, लेकिन आंसर आएगा माइनस का जे। इसी तरीके से जे क्रॉस जे तो जीरो ही होता है, सेम का क्रॉस प्रोडक्ट, और जे क्रॉस के करेंगे तो आंसर आ जाएगा प्लस का आई। तो इसका मतलब हमारे पास जो आंसर बनेगा वो होगा आई माइनस जे प्लस के, आई माइनस जे प्लस के, आई माइनस जे प्लस का के, यानी कि दूसरा वाला आंसर। ठीक है भाई, सो ये एमसीक्यूज डिस्कशन करने के लिए आप लोगों ने कहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना डिस्कस भी कर लिया जाए। और बाकी पेपर पैटर्न आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई कन्फ्यूजन है तो लिखना कॉमेंट सेक्शन के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।